एग्ज़ाम मैथ का हुआ, इसके बारे में हम लोग कितना क्वेश्चन सही है इसके आप लोग करेक्शन कर सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं, आप करेक्शन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी है ना, फोर नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, फाइव नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, उसी तरह सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी है, सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी है, और एट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी है, नाइन नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी है हमारा राइट आंसर। उसी तरह से हमारा टेन नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एलेवन नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा, उसी तरह से आपका ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, तेरह नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, उसी तरह से आपका चौदह नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ए हो जाएगा, पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए होगा है ना, सोलह नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी हो जाएगा, सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, अठारह नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, उन्नीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये डिफ्रेंशिएट करना है इसका आंसर सी हो जाएगा उन्नीस नंबर का, उसी तरह से बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा है ना, इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, बाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सी हो जाएगा, तेईस नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, चौबीस नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, पच्चीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, छब्बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, उनतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से हमारा तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है राइट आंसर इंटीग्रेट करना है इसको, यह हमारा डी हो जाएगा, इकतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा वन हो जाएगा, उसी प्रकार से बत्तीस नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इंटीग्रेशन है ना, ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से तैंतीस नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा ए हो जाएगा है ना, चौंतीस नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह हमारा बी हो जाएगा, और पैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उसी तरह से छत्तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा वह बी हो जाएगा है ना, और सैंतीस नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ए की दिशा बताना है आपको, तो ये आपका सैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का बताना है, उसी तरह से आपका सैंतीस नंबर के बाद अड़तीस नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह बी हो जाएगा है ना, इसका जो है डायरेक्शन निकालना है कोसाइन वेक्टर का इसका, ठीक है इसका आंसर अड़तीस का बी हो जाएगा, उनचालीस का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, चालीस का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, इकतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, बयालीस नंबर क्वेश्चन का जो है आपका इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन का निकालना है यह बी होगा इसका राइट आंसर, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है राइट आंसर वह बी हो जाएगा, चवालीस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, छियालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, और सैंतालीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, उसी तरह से हमारा 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यह आपका बी हो जाएगा, उसी तरह से आपका 49 नंबर का जो हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर है ना, इंटीग्रेट कर देना है इसका बी हो जाएगा, 2 लॉग 1 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस सी हो जाएगा, इसी तरह से आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग दिस मैथमेटिक्स का जो इस ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने के लिए आपको धन्यवाद, हम जल्द ही इसका जो है सॉल्यूशन को हम अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पर, धन्यवाद।